तो आपके फोन में अगर कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिन पे आपने लॉक लगाए हुए हैं, बेसिकली वो ऐप्स जिनमें आपका कुछ प्राइवेट डेटा है जो आप नहीं चाहोगे कोई और देखे, उन ऐप्स को कोई फिर भी एक्सेस कर सकता है इस हैक के जरिए। और उस हैक का क्या तोड़ है, कैसे आप इससे बच सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक तरीका बता दूं जिससे कि आपकी फाइल्स कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब मैं पूरा तरीका नहीं बताने वाला हूं बिकॉज इसका कोई दुरुपयोग जरूर कर लेगा, तो इसलिए मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम के थ्रू अगर आपके फोन में क्रोम ब्राउजर है तो क्रोम ब्राउजर के थ्रू कोई, जैसे आप देख रहे हो इस समय पे, आसानी से इस कोड को डाल के आपके फोन की जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी मान लीजिए जितने भी ऐप्स हैं आपके फ़ोन में, उन सब की जो मीडिया फाइल्स हैं या रिकॉर्डिंग्स हैं या कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं या वॉइस मैसेजेस हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, उन सब को कोई एक्सेस कर सकता है। व्हाट्सएप पे अगर आपने वॉइस नोट्स किसी को भेजे हुए हैं तो वो भी एक्सेस हो सकते हैं, वो भी सुने जा सकते हैं इस क्रोम ब्राउज़र के इस URL कोड के थ्रू। मान लीजिए व्हाट्सएप पे आपने फोटोग्राफ्स किसी को भेजी हुई हैं, मान लीजिए आपकी जो फ़ोन में फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, उन सबको कोई एक्सेस कर सकता है। आप किसी को फ़ोन अपना दोगे सोच के कि भाई मेरे तो जितने भी गैलरी है व्हाट्सएप पे उन सब पे मैंने लॉक्स लगा रखे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं दे देता हूँ फ़ोन, बट इस हैक के जरिए कोई भी आपके फ़ोन की ये सारी चीज़ें देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। अब इसका तोड़ कहाँ पर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिंपली जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, क्रोम में ही आपको एक चीज़ बदलनी पड़ेगी जिससे कि आपका कोई भी फ़ोन लेके ये जो इतनी भी आपकी वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उनको कोई एक्सेस ना कर पाए। तो आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है ऐप में। ऐप पे जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी ऐप्स की, चूज़ करिए क्रोम ब्राउज़र को। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको देखने हैं परमिशंस। परमिशंस पे जब आप जाओगे ना वहाँ पे आपके पास स्टोरेज का एक ऑप्शन आएगा, उसके नीचे मीडिया लिखा होगा, आप उस पर प्रेस करो और वहाँ पे जाके डिनाई कर दो। डिनाई का मतलब यह है कि अब क्रोम ब्राउज़र जो है आपके फ़ोन के मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकता। एंड वैसे भी अगर आप सोचो तो क्रोम ब्राउज़र को आपके मीडिया का एक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर फॉर्म्स वगैरह भरने हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स भरने हैं या कोई भी और चीज़ भरनी है जिसमें आपको मीडिया को एक्सेस करना है, तो उस एक्सेस को आप बहुत मोमेंट्री रखो, मतलब कि उसी समय एक्सेस दिया और उसके बाद एक्सेस बंद कर दिया। एक्सेस जब आप इन मीडिया, बेसिकली अपनी मीडिया फाइल्स का एक्सेस जब आप बंद कर दोगे, उसके बाद आपका जो ये क्रोम ब्राउज़र है वो फ़ोन के किसी भी यू नो ऑडियो विजुअल को या मीडिया को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब मैंने एक बार ये जो परमिशंस हैं इनको चेंज करने के बाद वापस उसी हैक को ट्राई करके देखा कि मैं क्रोम ब्राउज़र पे गया, वो स्पेसिफिक URL मैंने डाला और उसके बाद मैंने चेक किया कि अब क्या मैं उनको खोल पा रहा हूँ कि नहीं खोल पा रहा हूँ। व्हाट्सएप की जितनी फाइल्स हैं तो व्हाट्सएप की फाइल्स लिस्ट आउट तो होती हैं, बट वो आप खोलेंगे तो खुलेंगी नहीं बिकॉज परमिशन नहीं है। और परमिशन अगर वो मांगे भी तब आपको उसको डिनाई करना है, अलाउ मत करना, उसको डिनाई कर देना। अब ये तो रहा सेटिंग्स में जो चेंज आपको करना है। इसके साथ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि मान लो अगर आपने अपने फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं जिनको आप नहीं चाहते कि लोग उसमें झांकें या देखें, तो उन ऐप्स में तो आपने लॉक लगा दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट गूगल क्रोम का जो ये ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र, उस पर भी आप एक लॉक ज़रूर लगा दें। ये डेफिनेटली एडवाइजेबल है और ये ऑब्वियसली एंड्रॉयड फोन्स पे ही एप्लीकेबल है, तो इसमें आप क्रोम ब्राउजर पे आप अपना लॉक जरूर लगा के रखें। तो इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर जरूर करें और सबको बताओ किस तरीके से वो अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं। अब इस सारी रिसर्च में अरविंद कुमार है इनका नाम, इन्होंने बहुत मदद करी हमारी, ये नोएडा में रहते हैं और इंस्टाग्राम पे इन्होंने संपर्क किया था मेरे से और उसके बाद इन्होंने हमें इस हैक के बारे में भी बताया और इसका जो तोड़ है उसके बारे में भी बताया, तो ऑब्वियसली आई गिव क्रेडिट टू हिम। थैंक यू अरविंद कुमार, टॉप अरविंद कुमार इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, तो ही कनेक्टेड विद मी। सो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी टेक जुगाड़ है जो आप यूज़ करते हो, जो आप जानते हो, जो आप जो यूज़ करके उससे खुश हो और आप कन्विंस्ड हो कि ये काम करता है, तो डेफिनेटली मुझे आप DM करो @shivan.janna मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, @techtakofficial हमारा टेक तक का ऑफिशियल हैंडल है। सो कनेक्ट विद अस एंड लेट अस नो कौन से टेक जुगाड़ आपके लिए काम करे ताकि हम उन पर भी वीडियो बनाएं और क्रेडिट दें आपको।